वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारा JJM प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है ये। बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उस पर वीडियो बनाइए। ठीक है, तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है। ठीक है, इसमें हमारे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो कि इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन JJM प्रोजेक्ट का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे वो ये क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस पता चल सके और उनको जॉब मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो FHTC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा FHTC होता है, जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, इसका पूरा नाम होता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आपसे पूछेगा FHTC क्या होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है। तो FHTC का पूरा नाम होता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ठीक है, इसका पूरा नाम ये होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग हर घर में एक टैप, एक टोटी जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हर घर जल का मतलब ही यही है कि हर घर में एक टैप होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछेगा HDPE पाइप क्या होता है। तो HDPE पाइप जो होता है वो हमारी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप होती है। ठीक है, जो कि हमारा लेइंग की जाती है, हमारी जो अर्थ होती है, हमारा जो सरफेस होता है उसके नीचे हमारी ये लेइंग की जाती है HDPE पाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा HDPE पाइप बिछेगा, फिर HDPE पाइप से हमारा सैडल निकलता है। ठीक है, उस पर सिकंजा टाइप का वो सैडल एक लगता है। सैडल डिपेंड करता है डाया और पाइप पे। तो सबसे पहले HDPE पाइप लगेगा, फिर सैडल लगेगा, फिर उसके बाद FCV लगेगा 15 mm का। FCV क्या होता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, फ्लो कंट्रोल वाल्व, ये जो हमारा HDPE पाइप से जो पानी निकलता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा लगता है FTE, फीमेल थ्रेडेड इंड। ठीक है, ये बताना है। फिर उसके बाद हमारा लगता है MDPE पाइप, जो हमारी आती है MDPE पाइप, जो 20 mm की होती है और उसका पूरा नाम होता है मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन। HDPE पाइप हाई डेंसिटी की होती है, ये मीडियम डेंसिटी की होती है MDPE पाइप। ठीक है, 20 mm इसकी थिकनेस रहती है। MDPE पाइप लगने के बाद उस हमारा लगता है FTA, 20 mm का ही FTA लगता है। FTA का पूरा नाम होता है फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर। ठीक है, फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर ये लगता है। फिर उसके बाद हमारा GI निप्पल लगता है 15 mm का। GI का नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, GI निप्पल लगेगा। फिर उसके बाद GI एल्बो लगेगा 15 mm का। फिर GI पाइप लगेगा 15 mm का। GI पाइप के बाद फिर से GI एल्बो लगेगा 15 mm का, और फिर से GI निप्पल लगेगा 15 mm का। उसके बाद हमारा GI सॉकेट लगेगा, और सॉकेट में हमारा बीपकॉक या टैप हमारा कस दिया जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हमारी, GI एल्बो एंड GI निप्पल, ये दो बार लगेंगे, बाकी सब एक एक बार लगेगा। ठीक है, तो ये कोई आपसे सीरीज पूछ लेगा कि हमारी ये पाइप बिछी हुई है, ये पाइप लेइंग हुई है, हमारी पाइप हो गई। ठीक, पाइप से फिर हमारा क्या निकला, ये हमारी पाइप है, मान के चलिए ये पाइप है। फिर इसमें हमारा एक ऐसे सिकंजा टाइप का हमारा सैडल लगता है। सैडल के बाद हमारा यहाँ पे कुछ चूड़ी होती है, उसमें से हमारा FCV लगता है। ये FCV लग गया, फिर उसके ऊपर ही यहाँ पे इसी में FTE लगा दिया जाता है। FTE लगाने के बाद हमारा MD पाइप हमारा ये जाता है 3 मीटर का, 3 मीटर 5 मीटर जितनी लेंथ हो घर के पास, ये 3 मीटर की हमारी MDPE पाइप लगेगी। फिर उसके बाद फिर से FTA लगेगा। FTA के बाद हमारा GI निप्पल लगेगा। GI निप्पल लगने के बाद हमारा GI एल्बो लगेगा। एल्बो इसको बेंड कर देगा। GI एल्बो लगेगा। एल्बो के बाद हमारा GI पाइप लगेगा।
ऐसे जीआई पाइप हमारा खड़ा होगा और जीआई पाइप के पास फिर हमारा जीआई एल्बो लगेगा और एल्बो के बाद हमारा जीआई निप्पल लगेगा और जीआई सॉकेट लगेगा और ये उसके बाद टैप लग जाएगा और टैप से ये पानी ऐसे गिरेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ सिस्टम इसका होता है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे पूछा एचडीपी पाइप के बारे में, क्वेश्चन पूछेगा कि एचडीपी पाइप को आप कैसे पहचानोगे। तो सिंपल सी बात है, उसका कलर जो होता है वो हमेशा ब्लैक होना चाहिए और उस पर ब्लू 3 mm की ब्लू की 3 mm थिकनेस ब्लू की पट्टी अलोंग द लेंथ ऑफ एचडीपी पाइप वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर हमारा एचडीपी पाइप पे पीई 100 करके एक मार्क होता है, वो क्या डिनोट करता है ये भी पूछेगा आपसे कि पीई क्या होता है। तो पीई डिनोट्स द ग्रेड ऑफ पाइप, किस ग्रेड की पाइप है ये हमारा पीई डिनोट करता है। ठीक है, पीई हमारा मेजर किया जाता है जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 ईयर्स पे उसकी मेजरमेंट की जाती है। पीई अगर जो 100 पाइप पे लिखा है तो उसका अगर जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो हमारी 10 मेगा पास्कल होगी। ये पीई का मतलब, पीई 100 का मतलब 10 मेगा पास्कल उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो हमारा उस पर पीएन होता है, लिखा होता है पीएन टाइप से कुछ लिखा होता है, पीएन 6, पीएन 12, पीएन 2, पीएन 3.5, ये क्या डिनोट करता है। तो ये डिनोट करता है हमारा प्रेशर रेटिंग ऑफ पाइप, कि हमारा जो पाइप है वो मैक्सिमम कितना प्रेशर पानी को झेल सकती है, पानी का मैक्सिमम प्रेशर कितना झेल सकती है। ठीक है, वो पीएन डिनोट करता है। तो अभी जो प्रोजेक्ट में चल रही है वो पीएन 6 चल रही है और इधर पीई 100 और पीएन 6 की पाइप चल रही है। पीएन 6 का जो होता है मैक्सिमम परमिसिबल जो हमारी वर्किंग प्रेशर होता है वो पीएन 6 लिखा है तो 0.6 मेगा पास्कल उसकी जो प्रेशर झेलने की कैपेसिटी होगी वो इतनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पूछता है कि जो डाया होता है पाइप का वो कितना होता है। तो हमारी 16 mm से लेके 1000 mm तक की डाया में पाइप आती हैं, लेकिन अभी जो हमारा जेजेएम प्रोजेक्ट में पाइप यूज की जा रही है तो एचडीपी पाइप हमारा 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110, 125 mm, 140 mm, 160 mm एंड 200 mm, इतने थिकनेस की जो हमारी पाइप होती है डाया की पाइप वो अभी यूज की जा रही हैं। ठीक है, जो मिनिमम लेंथ होती है वो पाइप की, वो मिनिमम लेंथ 3 मीटर की होती है। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा कि हम दो पाइपों को जॉइंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उनका टेम्परेचर क्या रहता है, किस मेथड से जॉइंटिंग करते हैं। अभी VTL में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हम जो जॉइंटिंग करते हैं वो कौन सी मेथड से करते हैं, तो मैंने बताया था सर बट फ्यूजन वेल्डिंग यूज़ करते हैं, और बट फ्यूजन वेल्डिंग यूज करते हैं। टेम्परेचर पूछा कितना रहता है, हीट कितने हीट पे हम लोग टेम्परेचर पे प्लेट को हीट करते हैं, तो 200 से लेके 230 डिग्री सेंटीग्रेड कितने टेम्परेचर तक हम लोग प्लेट को हीट करते हैं दो पाइपों, दो एचडीपी पाइप को आपस में वेल्ड करने के लिए। ठीक है, जो हमारा पाइप लेंग होती है उसके लिए ट्रेंच की जो मिनिमम थिकनेस होती है, मिनिमम डेप्थ होती है वो कितनी खोदनी चाहिए, वो हमारी 1200 mm पाइप के ऊपर, जब हम लोग पाइप उसमें लेंग कर देंगे उसके ऊपर हमारा जो एनजीएल होता है वहाँ तक मिनिमम 1 मीटर मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।